मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम आज पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, आज हम यूनिट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड एल्कोहल्स। देखिए, एल्कोहल्स एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कोई एल्केन है, इस एल्केन के एच का प्रतिस्थापन यदि हम OH से करते हैं, मान लीजिए हमने इसमें से H को रिमूव किया और क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, ROH एल्कोहल। यानी कि एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ROH। इधर R क्या है, इधर R है एल्किल समूह। एल्किल समूह कौन कौन से होते हैं पता है आपको, ये होते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल। इस तरीके से ये समूह एल्किल समूह कहलाते हैं। यदि हम देखें, देखिए CH3OH ये क्या बन गया, यहां पर मैथिल समूह तो एल्किल समूह है और OH ये बन गया मैथिल एल्कोहल या मीथेनॉल। ठीक है, इसी तरीके से C2H5OH ये बन गया इथाइल एल्किल समूह और ये OH एथेनॉल, तो मैथेनॉल, ये तो है मैथेनॉल और ये है एथेनॉल। देखिए, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न भी दो प्रकार के हो सकते हैं। देखो कौन कौन से आपने देखा होगा, एक तो होता है देखो ROH, एक होता है AROH, ये होते हैं एलिफैटिक और ये होते हैं एरोमेटिक। एलिफैटिक और ये एरोमेटिक, एलिफैटिक हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कहलाते हैं एल्कोहल, जबकि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कहलाते हैं फिनोल। ठीक है, समझ में आ गया आपके। अब देखिए, हम एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम करते हैं हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार। किसी भी कार्बनिक अणु में कितनी संख्या में OH समूह जुड़े हुए हैं, इनके आधार पर हम सबसे पहले एल्कोहल्स को वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण स्टार्ट कर रहे हैं। ये वर्गीकरण किसके आधार पर है, सबसे पहले हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार। ठीक है, किसी भी कार्बनिक अणु के अंदर कितने OH समूह जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या के आधार पर हम एल्कोहल्स को वर्गीकृत करते हैं। इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, तीन भागों में बांट देते हैं इस तरीके से। सबसे पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल,
सेकेंड है डाई हाइड्रिक एल्कोहल, थर्ड है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स वे होते हैं जिनसे केवल एल्किल समूह से केवल एक OH समूह जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि मेथेनॉल। ऐसे देखो एथेनॉल, इसमें भी एक ही OH समूह जुड़ा हुआ है, तो मेथेनॉल और एथेनॉल क्या होंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होंगे। डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स में दो OH समूह जुड़े हुए होंगे। देखिए ये हमने डाइहाइड्रिक बना दिया, इसका नाम है इथाइल ग्लाइकोल। इथाइल क्यों बोला? इसमें दो कार्बन है तो इसका नाम है इथाइल ग्लाइकोल। ट्राइहाइड्रिक में तीन OH समूह जुड़ेंगे, देखिए CH2OH, CHOH और CH2OH। ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है और इसका नाम है ग्लिसरॉल। दोबारा देखते हैं, OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल्स को तीन भागों में बांटा गया। नंबर वन मोनोहाइड्रिक, नंबर सेकेंड डाइहाइड्रिक, नंबर थर्ड ट्राइहाइड्रिक। ऐसे एल्कोहल्स जिनमें केवल एल्किल समूह से एक OH समूह जुड़ा हुआ हो कहलाएंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जैसे कि मेथेनॉल और एथेनॉल। डाइहाइड्रिक में क्या होगा? एल्किल समूह से दो OH जुड़े हुए होंगे अलग अलग कार्बन परमाणु। इसमें क्या होगा? एल्किल समूह से तीन OH समूह जुड़ेंगे अलग अलग कार्बन परमाणु। तो ये हो गया एल्कोहल्स का OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए एल्कोहल्स को कार्बन समूह की प्रकृति के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया। जिस तरीके से OH समूह की संख्या के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, इसी तरीके से इनसे जुड़े हुए कार्बनिक परमाणु यानी कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया। तो अगला वर्गीकरण है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। जिस एल्किल समूह से OH समूह जुड़ा है उस OH समूह से जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राथमिक एल्कोहल। पहला कौन सा है? प्राथमिक एल्कोहल। देखिए प्राथमिक एल्कोहल कौन से होते हैं? इनका फॉर्मूला होता है RCH2OH। ये जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन। यानी कि प्राथमिक एल्कोहल में OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है।
वन डिग्री कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसपे मिनिमम दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हों कहलाएगा वन डिग्री कार्बन। इसमें एक एल्किल समूह भी हो सकता है, ठीक है। देखिए जैसे कि CH3 CH2 OH, ये क्या है? एथेनॉल। ये क्या होगा? वन डिग्री का एल्किल। देखो R की जगह H भी हो सकता है, HCH2OH, ये क्या बन गया? CH3OH, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल भी क्या होगा? प्राथमिक एल्कोहल होगा। मेथेनॉल भी क्या होगा? प्राथमिक एल्कोहल होगा। मैंने क्या बोला? मिनिमम दो, मैक्सिमम तीन भी हो सकते हैं ना, इसमें तीन हो गए CH3OH। क्लियर हो गया आपके? दो से कम नहीं होने चाहिए। देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 OH। इसमें देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसपे कितने का एंगल है? दो। तो ये क्या हो गया? वन डिग्री कार्बन। तो ये क्या कहलाएगा? प्राथमिक एल। अब इसका नाम क्या है? देखिए एक कार्बन पे जब दो CH3 आ जाए तो उसको बोलेंगे हम आइसोपोजिशन। अब देखिए आपको पता है एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH। इसमें R क्या है? एल्किल समूह। यहां पर ये पूरा फॉर्मूला क्या है? एल्किल समूह। अब देखिए एक कार्बन पे दो CH3 है तो आइसो। कितने कार्बन है? एक दो तीन और एक चार। चार कार्बन का एल्किल समूह कौन सा होता है? ब्यूटेन। तो नाम क्या हो जाएगा बताओ? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। क्लियर है? तो आइसो ब्यूटिल एल्कोहल क्या होगा? एक प्राथमिक एल्कोहल होगा, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस पे क्या है? दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक ये पूरा पूरा एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो प्राथमिक एल्कोहल्स वे होते हैं जिनमें OH समूह वन डिग्री कार्बन से एक डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, कहलाएंगे प्राथमिक एल्कोहल्स। अगला अगला है द्वितीयक एल्कोहल। ये जो वर्गीकरण है कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर है। पहला था प्राथमिक एल्कोहल जिसमें OH समूह वन डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। टू डिग्री कार्बन से जब OH समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल या टू डिग्री एल्कोहल। टू डिग्री एल्कोहल देखिए ये जनरल फॉर्मूला होता है टू डिग्री एल्कोहल। ये कार्बन है टू डिग्री कार्बन है। देखिए इसकी विशेषता क्या होती है? इस पे दो एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे और एक एच परमाणु जुड़ा हुआ होगा। ऐसा कार्बन जिसपे दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है कहलाता है टू डिग्री कार्बन, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, देखो CH3 CH CH3 OH, ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसो के बोला एक कार्बन में क्या है? दो मिथाइल समूह, इसलिए आइसोपोजिशन। कितने कार्बन है? एक दो और तीन। तीन कार्बन का एल्किल समूह कौन सा होता है? प्रोपिल। और आइसो क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक कार्बन में क्या है? दो CH3। तो नाम क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपिल एल्कोहल। क्लियर है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्या होगा? एक द्वितीयक एल्कोहल होगा।
इसी तरीके से देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, नित्य कर्मबंध का। देखिए ये है सी एस पी सी एच ओ एच सी एच टू सी एस। देखिए इस पे जो ओ एच समूह जुड़ा हुआ है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस पे एक एच परमाणु जुड़ा हुआ है और इस पे क्या है दो एल्केन समूह, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये कौन सा कार्बन हो गया 2D, इसका नाम क्या है द्वितीय ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, तो ऐसा कार्बन जिसपे केवल एक एच परमाणु जुड़ा हो और दो एल्किन समूह जुड़े हो कहलाएगा द्वितीयक कार्बन। ऐसे कार्बन से यदि कोई OH समूह जुड़ा है तो वो कहलाएगा 2° एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल। इसका एग्जांपल है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है, और है द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, अब तक हम दो एल्कोहल पढ़ चुके हैं, एक तो प्राथमिक एल्कोहल 1° एल्कोहल और दूसरा है 2° एल्कोहल्स, जिसके एग्जांपल थे आइसोप्रोपिल एल्कोहल और द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। लास्ट है तृतीयक ब्यूटिल तृतीयक एल्कोहल, सॉरी लास्ट कौन सा है तृतीयक एल्कोहल्स, इसका नाम है 3° एल्कोहल्स। कौन सा है 3° एल्कोहल्स। इनका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, ऐसा कार्बन जिससे तीन एल्कीन समूह जुड़े हैं, यदि इनसे हमारा OH समूह जुड़ा हुआ होता है तो ये कहलाएंगे 3° एल्कोहल्स। 3° एल्कोहल्स में क्या होगा, कोई भी H परमाणु नहीं होता है, केवल क्या होते हैं तीन एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो CH3 सी सी एस थ्री सी एस थ्री ओ एच, ये क्या है, ये है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल में तीन मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं और एक OH समूह जुड़ा हुआ है, इसका नाम होगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इस तरीके से हमने एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन किया 1° 2° और 3° के अंदर। इसमें 3° एल्कोहल्स में क्या होता है, हमारा OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिसपे तीन एल्किल समूह जुड़े, ठीक है। इस तरीके से हमने एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन किया, सबसे पहले OH समूह की संख्या के आधार पर, फिर कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। देखिए आज हमने जो डिस्कस किया है उसमें सबसे पहले था एल्कोहल्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। एल्कोहल्स क्या होते हैं, एल्केन के हाइड्रोक्सी विलुप्पन होते हैं। हाइड्रोक्सी विलुप्पन दो प्रकार के होते हैं, एक तो एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोक्सी विलुप्पन कहलाते हैं एल्कोहल्स और एरोमेटिक कहलाते हैं फिनोल्स। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया था OH समूह की संख्या के आधार पर, मोनोहाइड्रोक्सी जिसके अंदर मेथेनॉल था, डाइहाइड्रोक्सी जिसके अंदर इथाइल ग्लाइकोल था, और ट्राई हाइड्रोक्सी जिसके अंदर था
हमारा BSO। नेक्स्ट था हमारा कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, इसके अंतर्गत हमें इसे तीन भागों में बांटा था। पहला था प्राथमिक एल्कोहल्स, दूसरा था द्वितीयक एल्कोहल्स और तीसरा था तृतीयक एल्कोहल्स। प्राथमिक एल्कोहल्स में क्या था कि जो OH समूह है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, इधर देखिए, ऐसा कार्बन जिसपे न्यूनतम 2 हाइड्रोजन जुड़े हों और एक एल्कील समूह जुड़ा हो, कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा द्वितीयक एल्कोहल्स, जिसके अंदर हमारा OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से बताया था मैंने आपको, इस तरीके से 2 एल्कील समूह जुड़े हुए होंगे और एक एच परमाणु जुड़ा हुआ होगा। तो ऐसा कार्बन जिसपे एक एच परमाणु जुड़ा हुआ हो और 2 एल्कील समूह जुड़े हुए हो कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन। जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा रहेगा वो कहलाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। इसका एग्जाम्पल बताया था आपको आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जिसके अंदर देखिए आप 2 मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं और एक एच परमाणु जुड़ा हुआ है, ये कहलाएगा हमारा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसो क्या होता है, जब एक कार्बन से 2 मिथाइल समूह इस पोजीशन में जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं आइसो, और 3 कार्बन है तो कहलाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका एक एग्जाम्पल और था, वो था आइसोब्यूटिल एल्कोहल। देखिए इस तरीके से CH3 CHOH CH2 CH3, देखिए जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस पे क्या है, एक हाइड्रोजन है और 2 एल्कील समूह जुड़े हुए हैं, एक मिथाइल और एक थाइल, ये कहलाएगा द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल जो होगा वो क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा। और लास्ट हमने आपको बताया था 3 डिग्री एल्कोहल्स, जिसके अंदर 3 एल्कील समूह जुड़े हुए होंगे, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है। देखिए 3 डिग्री एल्कोहल्स कौन से होंगे, जिसके अंदर जिस कार्बन से हमारा OH समूह जुड़ा है उसपे 3 एल्कील समूह जुड़े हुए होंगे, ये कार्बन कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। इससे जुड़ा OH समूह कहलाएगा 3 डिग्री एल्कोहल्स। इसमें देखो कोई एच परमाणु नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल था तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, देखिए इस तरीके से 3 मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं, ये बन गया हमारा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन है। कैसे है, इस पे कोई एच परमाणु नहीं है, क्या है, 3 मिथाइल समूह है, 1, 2 और 3, इसलिए कहलाएगा तृतीयक ब्यूटिल